कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोस्ट डिमांडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, वो भी डोसा और इडली से रिलेटेड और तवे से, कि किस तवे पर आप किस तरीके से डोसा बनाएं और वो चिपके नहीं, यानी लोहे के तवे पर और कास्ट आयरन के तवे पर आप किस तरह बनाएं और नॉन स्टिक तवे पर आप किस तरह बनाएं। क्योंकि अक्सर लोगों को डोसा बनाने में यही डर लगा रहता है कि बैटर तो तैयार हो गया, अब ये चिपके नहीं। लेकिन आज की टिप्स अगर आप देख लेंगे तो आपके तवे पर, चाहे वो लोहे का हो या कास्ट आयरन का या नॉन स्टिक, किसी पर भी आपका डोसा चिपकेगा नहीं और बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन बनकर उतरेगा होटल स्टाइल। तो आज का जो ये वीडियो है ये लंबा होने वाला है, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन में मैं आपको बताने जा रही हूँ तवे के बारे में, और पार्ट टू आप मेरा कंटिन्यूटी में देखें, उसमें मैं बताऊंगी डोसा और इडली बैटर के बारे में कि किस तरीके से आपको डोसे का बैटर तैयार करना चाहिए और किस तरीके से इडली का, जिससे कि डोसे बहुत ही क्रिस्पी और होटल स्टाइल बने और इडली एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट और फ्लफी बने। और सबसे जरूरी बात कि अगर बैटर खट्टा हो जाए तो उसको कैसे इस्तेमाल करें। अक्सर यही प्रॉब्लम आती है कि फर्मेंट करने के बाद कभी कभी बैटर बहुत खट्टा हो जाता है और हमारी समझ नहीं आता कि आप उसका क्या यूज करें या उसको कैसे ठीक करें। तो मेरे पार्ट टू में आप जान पाएंगे सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं बैटर से रिलेटेड, यानी घोल से रिलेटेड डोसे और इडली के, वो मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ पार्ट टू में शेयर करूंगी। आप पार्ट वन में तवे के बारे में जानें। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम किस तवे पर डोसा बनाएं। देखिए, दो तरीके के तवे यूज किए जाते हैं डोसा बनाने के लिए, एक कास्ट आयरन तवा और एक नॉन स्टिक तवा। जो रोटी वाला तवा होता है उस पे हम डोसे नहीं बना सकते, क्योंकि उस पे आप डेली रोटी बनाते हैं और उसको स्टील के स्क्रबर वगैरह से रोज धोया जाता है, तो वो बिल्कुल भी सीजन्ड नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ और चिकना नहीं होता जैसे कि हमें डोसे के लिए चाहिए। तो आप लोहे के तवे पर बना सकते हैं, लेकिन फिर उस तवे पर आप रोटी बिल्कुल ना बनाएं। ये बहुत जरूरी बात है। सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से हम लोहे के तवे पर डोसा बना सकते हैं। आप लोहे के तवे पर डोसा बना सकते हैं, लेकिन फिर आप उस पर रोटी बिल्कुल भी नहीं बनाएं। उसको आपको सीजन्ड करना होगा। जब वो सीजन्ड हो जाएगा तब आप लोहे के तवे पर डोसा बना सकते हैं, और रोटी का तवा आप बिल्कुल अलग रखें। ये बहुत जरूरी बात है। नॉन स्टिक तवे पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती डोसा बनाने के लिए, मैं उसकी टिप्स आपको बता रही हूँ दोनों की ही। तो नॉन स्टिक तवे का ख्याल आपको ये रखना है कि आप जब भी नॉन स्टिक तवे पर डोसा बनाते हैं उसके बाद आप उसको तुरंत गर्म बिल्कुल भी धोकर ना रखें। नॉन स्टिक तवे को ठंडा होने दीजिए। ठंडा हो जाने के बाद आप उसको गुनगुने पानी से और हल्का सा कोई भी लाइट, जो एक डिश जेल आता है यानी कि जो बर्तन धोने वाली जेल होती है या सोप होता है, हल्के हाथ से स्पंज से उसको धो करके और उसके बाद कपड़े से पोंछ कर रख दें। ये एक प्रॉपर तरीका है नॉनस्टिक तवे की क्लीनिंग का, क्योंकि अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तवे को ऑयल लगा हुआ बनाने के बाद और उसको क्लीन नहीं किया, तो वो तवे की सीजनिंग भी खराब हो जाती है, तवे की जो एक लेयर होती है ऊपर की नॉनस्टिक तवे की, वो भी खराब होने लगती है। तो उस तरीके से नॉनस्टिक तवा भी खराब हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी बात है। अब जरूरी बात आती है कास्ट आयरन तवे की। सब पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है कि कास्ट आयरन तवा या फिर लोहे के तवे में जो हम रोटी के लिए यूज करते हैं। कास्ट आयरन तवा जो स्पेशली आप डोसे के लिए खरीदते हैं, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं अमेजोन से या किसी और साइट से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, वो स्पेशली डोसे के लिए होता है। तो कास्ट आयरन तवा एक सीजन्ड तवा होता है, ऑलरेडी प्री सीजन्ड होता है जब आप खरीदते हैं। लेकिन जो लोहे का तवा हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो प्री सीजन्ड बिल्कुल नहीं होता, उसको हमें सीजन्ड करना पड़ता है अगर हम डोसा उस पर बनाना चाहते हैं, और उस पर फिर हम रोटी बिल्कुल नहीं बनाएंगे, तब तो हम उस पर बना सकते हैं। अब आती है बात कि आपने नया खरीदा कास्ट आयरन तवा, तो उसको आप कैसे तैयार करें डोसा बनाने के लिए। सबसे पहली बात, जब आप नया खरीदते हैं तो आप तवे को गर्म कीजिए, लाइटली उसे गैस पर रखकर गर्म कीजिए, उसके ऊपर नमक डालिए और नमक को हल्के हल्के लकड़ी की स्पून से हल्का हल्का घुमाइए और उसको हल्का गोल्डन ब्राउन करिए नमक को। जब नमक गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तवे पर, गैस को बंद कर दीजिए और नमक को ठंडा होने दीजिए तवे पर। जब वो सब ठंडा हो जाएगा तब आप एक
कपड़े से, कॉटन कपड़े से उसको पूरे को क्लीन कीजिए, पोंछ दीजिए। उसके बाद आप तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालिए, ऑयल डालकर एक कॉटन कपड़े से पूरे में ऑयल को अप्लाई कर दीजिए, लाइटली उस पर लगा दीजिए और पोंछ करके ऑयल को हल्का सा पोंछिए और अपने तवे को आप स्टोर कर सकते हैं, उसको उठाकर रख दीजिए, उस पर रस्ट नहीं आएगी और वो सीजन्ड हो जाएगा, मींस वो डोसे के लिए तैयार हो जाएगा। तो नए तवे के साथ आपको ये करना है। और अब जब आपको उस पर डोसा बनाना है तो आप एक बार और उसको गुनगुने पानी से धोइए, पोंछिए और उसके बाद आप उस पर हल्का ऑयल लगा करके गैस पर रखिए, गर्म होने दीजिए हल्का सा, लेकिन उस पर डोसा मत बनाइए। आप 2 से 3 टाइम्स कम से कम उस पर ऑमलेट बनाइए। ऑमलेट 2-3 बार जब आप बनाएंगे आपका तवा बिल्कुल सीजन्ड हो जाएगा और जब आप उस पर डोसे बैटर से डोसा बनाएंगे तो डोसा इजीली उतरेगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अगर आप ऑमलेट नहीं खाते हैं, एग नहीं लेते हैं, तो आप उसके ऊपर मोटा बैटर डालिए, मींस लगभग 2 बार आप उस पर थिक डोसा, बिल्कुल मोटा मोटा बैटर डालकर एकदम बना लीजिए, 2 बार उतारिए, उसके बाद वो आपका डोसे के लिए प्रॉपर तैयार है। इस तरीके से जो कास्ट आयरन तवा है वो बढ़िया सीजन हो जाएगा और आपको बनाने में परेशानी नहीं होगी। अब नेक्स्ट, ये जो मैंने बताया था वो था नया जब आप खरीद कर लाते हैं कोई भी तवा कास्ट आयरन का। अब जो मैं नेक्स्ट बता रही हूँ, आपके पास लोहे का तवा यानी कास्ट आयरन तवा है और आप डोसे बनाने जा रहे हैं, तो अब आपको क्या फॉलो करना है। आप गैस पर तवे को रखिए, फ्लेम को मीडियम रखिए, जब तवा हल्का गर्म हो जाए उस पर पानी की छींटे मारिए। पानी की छींटे जब आप मारेंगे तो पानी एवोपरेट होगा, जैसे ही पानी एवोपरेट होगा यानी उड़ जाएगा, तब आप उस पे 2-3 ड्रॉप ऑयल की डालिए, कोई भी ऑयल। उसके बाद आप एक प्याज काटिए और कटी हुई प्याज से उस पूरे ऑयल को अच्छी तरीके से रब करिए गर्म तवे पर। इस तरीके से आपका तवा सीजन हो जाएगा। अब आप उस पर डोसा इजीली बना सकते हैं, डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और डोसा आपका गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी बिल्कुल तैयार होगा। नेक्स्ट स्टेप, टेम्परेचर डोसे तवे का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, ना ही वो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा लो, चाहे वो नॉनस्टिक तवा हो या फिर कास्ट आयरन, आपको दोनों में सेम ही रूल फॉलो करना है। पहले आप गर्म होने दीजिए, फिर आप उसमें पानी की छींटे डालिए, कपड़े से पोंछिए, थोड़ा ऑयल डालिए और प्याज से चारों तरफ ग्रीसिंग कर दीजिए, तो इससे आपके डोसे बहुत ही अच्छे बनेंगे, क्योंकि ज्यादा तेज गर्म होगा तो भी डोसा चिपक जाएगा और ज्यादा ठंडा होगा तो भी वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। और अगर ज्यादा तेज गर्म हो गया है, थोड़ा पानी डालकर उसकी हीट को डाउन कीजिए। एक और मेरी जरूरी टिप, बहुत से लोग प्याज नहीं खाते हैं या प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वो ये कर सकते हैं, बैगन के ऊपर का जो हरा वाला उसका डंठल का हिस्सा होता है उसको आप ऑयल लगा करके तवे पर रगड़ सकते हैं, या फिर लौकी के ऊपर का जो डंठल का हिस्सा होता है उससे भी आप ऑयल लगा करके तवे को ग्रीस कर सकते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी कास्ट आयरन तवे पर जब आप डोसा बनाते हैं और वो फिर भी प्याज से आपने रब किया ऑयल तवे पर, तब भी वो चिपक रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप रात को तवे पर ऑयल लगा दें और उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दें, ओवरनाइट उसको ऐसे ही छोड़ दें। दूसरे दिन आप गुनगुने पानी से उसको साफ करें तवे को, और उसके बाद सबसे पहले या तो उस पर आप थिक डोसा डालें यानी मोटा बैटर डालकर एक थिक बना लें, या फिर आप उस पर एक ऑमलेट या 2 ऑमलेट बना लें, उसके बाद आप उस पर डोसा बनाएं, डोसे आपके कभी नहीं चिपकेंगे, बढ़िया उतरेंगे। नेक्स्ट बहुत जरूरी टिप कि अगर आपके लोहे के तवे पर जंग लग गई है और आपको डोसा बनाना है तो आप क्या करें, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप तवे पर पूरे पर अच्छी तरीके से ऑयल लगा दीजिए, रात भर उसको ऑयल लगा करके छोड़ दीजिए, दूसरे दिन मॉर्निंग में आप उसको कॉटन कपड़े से अच्छी तरीके से रस्ट को पोंछिए जो भी उस पर जंग लगी हुई है, और पोंछने के बाद उसको गुनगुने पानी से अच्छी तरीके से धोइए, हल्का सा आप उस पर सोप लगा दें जो बर्तन धोने वाला होता है या डिश जेल, और उसको अच्छी तरीके से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ दें, और उसके बाद फिर आप वही प्रोसेस रिपीट करें जो मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा गर्म करना होगा तवा, फिर उस पर आपको थोड़ा पानी की छींटे मार करके पोंछिए, और फिर प्याज आदि काट करके ऑयल डालिए तवे पर और प्याज को पूरे में रब कर दीजिए, या फिर आप प्याज की जगह जैसे मैंने बताया आप लौकी के ऊपर का डंठल या बैगन के ऊपर का, ब्रिंजल के ऊपर का जो हरा पार्ट होता है उससे भी चारों तरफ ऑयल लगा सकते हैं, उसको ग्रीस कर सकते हैं, फिर आप उस पर डोसा बनाइए।
अच्छा होगा कि पहला डोसा आप मोटा बनाएं, उसको उतार लें, उसके बाद आप अपने पतले अच्छे बिल्कुल बाजार जैसे डोसे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जरूरी बात, कोई भी तवा हो, नॉनस्टिक हो या कास्ट आयरन, जिस पर भी आप डोसा बनाते हैं, तुरंत गर्म तवे को कभी वॉश मत कीजिए, ठंडा होने दीजिए। ठंडा हो जाने के बाद उसको गुनगुने पानी से कोई भी लाइट डिश जेल लगा करके हल्के से वॉश करके आप कपड़े से पोंछ करके उसे रख सकते हैं। और जो लोहे का तवा है उस पर स्टोर करने से पहले थोड़ा सा ऑयल डाल करके कपड़े से पोंछिए, तब आप उसको स्टोर कीजिए। इससे उस पर रस्ट नहीं लगेगी और वो ठीक बना रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आज के आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।